हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं। आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी की रेसिपी, जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और आपको पसंद आएगी जैसे मैं बनाती हूँ। तो देखिए वो कैसे बनती है। मैंने दाल ली है उड़द और राजमा के, उड़द ज़्यादा है और राजमा इसमें थोड़ी सी है, जो मैंने भिगो दी थी रात भर और उसे भिगो के उबाल दिया है। और ये है तेज पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट और मक्खन। अब मैंने वो जो उबाली हुई दाल थी उसे मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है उबालने के लिए, मतलब बिना ढक्कन के उबालने के लिए, उबाल लगाने के लिए। अब ये मैंने चॉपर में डाला है दो प्याज, इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, इसी की बारीक बारीक चॉप करके। और ये लिए मैंने दो से तीन टमाटर, जिनको मैं बारीक इसका पेस्ट बना लूँगी। अब ये बारीक पेस्ट हो गया है। अब मुझे अब ये दाल के अंदर पानी डालना है थोड़ा सा, और इसे उबालने के लिए जो हमने रखी है ना दाल, इसमें पानी डाल के उबाल लेंगे इसे, क्योंकि मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। जैसे अब उबलने के लिए छोड़ देंगे साइड में, इसे साइड कर लेंगे, ये उबलती रहेगी दाल। दूसरे वाले चूल्हे में रख दूँगी ना, इसे दूसरे वाले चूल्हे में रख दूँगी तो ये उबलती रहेगी दाल। अब ले लेंगे हम कढ़ाई, कढ़ाई में ले लेंगे सरसों का तेल, इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, बटर डालने के बाद आंच थोड़ी धीमी कर देंगे। इसमें दो तेज पत्ते डाल देंगे और साथ में डाल देंगे प्याज, जो हमने चॉपर में चॉप करके रखी हुई थी वो प्याज इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, जो मैंने चॉपर में चॉप करके रखा है प्याज, उसको अच्छी तरह डाल के भून लेंगे। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसको बस इतना कि थोड़ा ये पक जाए, और इसमें डालना हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी पक जाए, बस इतना हमें इसे पकाना है। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च डेढ़ चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच कश्मीरी मिर्च से रंग आता है, मिर्च इसमें तीखी नहीं होती, ये कलर के लिए होती है मिर्च, इससे कलर अच्छा आ जाता है। जब मिर्च डालनी है तो आंच थोड़ी धीमी कर देनी है, जिससे कि मिर्च जले ना। अब इसमें जो हमने टमाटर पीस के डाले थे वो प्यूरी इसमें डाल देनी है, और डाल के इसे अच्छी तरह से पका लेना है। इधर हम अपने दाल को भी देख लेते हैं, इसमें अच्छा सा उबाल आ रहा है, और इसे मैं अभी थोड़ा सा पानी डाल के और उबालनी है, क्योंकि ये दाल 30 से 40 मिनट तक पकेगी। इसको बस चलाते रहना है, बीच में से चलाना छोड़ना नहीं है, बीच बीच में से चलाते रहना है, क्योंकि दाल नीचे लग जाती है। उड़द की दाल में थोड़ा स्टार्च ज़्यादा होता है, तो इस वजह से। अब इसमें हमने जो मसाला हमने बनाया है वो उसमें ट्रांसफ़र कर लेना।
अब इसे अच्छी तरह चला देना है जिससे कि मसाला इसमें मिल जाए दाल में। अब इसमें डालना है आधी कटोरी, मैंने इसमें घर की मलाई डाली है। आपके पास में क्रीम हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने मलाई डाली। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया का पाउडर 2 चम्मच। और डाल देंगे गरम मसाला 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला डाल देंगे। और इसमें मिर्च भी डाल देंगे तीखी वाली थोड़ी सी, 1 चम्मच के करीबन इसमें मिर्च भी डालनी है। मेरे से वो क्लिप थोड़ी मिस हो गई तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें मिर्च भी आप डाल लेना थोड़ी। अब इसे हिला लेंगे थोड़ी देर, चला लेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के उबालने के लिए रख देंगे। अब दाल को पकते पकते टाइम हो गया है 30 से 40 मिनट, तो मैंने इसमें डाल दिया है नमक। इसमें फिर पानी डाल देंगे थोड़ा सा और इसे फिर पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट। नमक मैंने इसमें बाद में डाला है। अब दाल पक के बिल्कुल तैयार हो गई है जैसे हमें चाहिए। इसे पकते पकते 30 से 40 मिनट का टाइम लग गया है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा मक्खन। मक्खन डाल के ज़्यादा देर के लिए पकाना नहीं, बस 2 मिनट पका के इसे रख देना है। इसमें डाल देना है हरा धनिया और गैस बंद कर देनी है। अब हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वो आपको कैसे लगी। और अगर ये आपको पसंद आती है तो अपने दोस्त और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।